यहाँ पर नालायक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और नालायक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ऑफिसर जो काम कर रहे हैं उनकी नेग्लिजेंसी से लास्ट 10-15 साल से कई इंसिडेंट हुए, कई डेथ हुए। अफसोस के साथ फिर से 47-48 में जाकर याद करना पड़ रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में एक इलेक्शन होना है, इलेक्शन के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आना है, उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में एक पूरा प्रोटोकॉल चलते हुए ग्राउंड के सतह पर एक सिंगल आदमी को तक उसकी सहूलत पहुंचना बोलकर इस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बने हुआ है। लेकिन हम जो देख रहे हैं यहाँ पर नालायक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और नालायक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ऑफिसर जो काम कर रहे हैं उनकी नेग्लिजेंसी से लास्ट 10-15 साल से कई इंसिडेंट हुए, कई डेथ हुए। तो जरी सी भी शर्म अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में है, ऑफिशियल सेक्शन में है, NHAI में है, और खासकर ये जो दावतें खाते ओपनिंग करते जो फिरते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अगर उनको जरी सी भी शर्म है तो ऐसे हालात को मद्देनजर रखते हुए पूरे इलेक्टेड गुलबर्गे के रिप्रेजेंटेटिव एक दिन रोड बंद कर नेशनल हाईवे प्रेशर डालकर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशर डालकर ये सर्विस रोड बनाकर देना है। अगर इनमें काबिलियत है तो ये काम आगे होता है, अगर काबिलियत नहीं है तो इसी तरीके से लोग चलते रहेंगे, एक्सीडेंट होते रहेंगे, आवाम आएगी रोड पे बैठेगी, एहतजाज करेगी, फिर वो सिलसिला जारी रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये डेथ के बाद एक दूसरी डेथ का इंतजार, ये आपके नालायक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देखेंगे, इसका काम जल्द से जल्द कर नीचे सर्विस रोड इमीडिएट स्टार्ट करेंगे, आने वाले टाइम पे जल्द से जल्द रोड शुरू होंगे, बल्कि ये मेरा उम्मीद है।